गुड मॉर्निंग बेबी पियंस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर नंबर 8 अक्रॉस द लैब। मोस्ट पीपल थिंक दैट डूइंग डेयरिंग इज ब्रेवरी, बट दिस स्टोरी टीचेस अस द रियल ब्रेवरी इज बीइंग करेजियस इनफ टू स्पीक द ट्रुथ एंड नेसेसरली बीइंग एबल टू क्रॉस रिवर, क्लाइंब द माउंटेन। So students, in this story we will read that if you speak truth, it is more courageous than doing a daring things. Okay, so let's read this chapter. Two boys were busy playing next to the lake. It was a beautiful rainy day and the two friends were enjoying the cool breeze. One of them was tall and naughty, called Humeet. So students, across the lake, two boys were playing and one was tall and naughty by the name Humeet and the other one sensible and fair-haired and called Junaid. Jo dusra tha, uska naam tha Junaid. Humeet and Junaid were best friends and they usually come out to play near the lake on rainy days like this. Means they were in the habit of coming to the lake to play football or any games in rainy days. When rain came to their barren town, everyone was always outdoors enjoying those few rainy moments. उनके यहाँ टाउन में सभी लोग बाहर आकर के रेनी डेज को एंजॉय करते थे, ये नहीं कि बारिश होती थी तो अंदर चले जाते थे, बारिश को वहाँ के लोग एंजॉय करते थे, वह बाहर आकर के बैठ जाते थे और रेन को एंजॉय करते थे। ऑन वन ऑफ दीज रेनी डेज हुमेद एंड जुनेद वर आउट प्लेइंग। हुमेद किक्ड द बॉल इनटू द यार्ड ऑफ एन ओल्ड मैन्स हाउस। द ओल्ड मैन ओपन्ड द डोर एंड आस्क्ड हु किक्ड द बॉल इनटू द यार्ड। ही सीम्ड क्वाइट अपसेट फॉर हिज डन। एक दिन रेन जब हो रही थी तो हुमेद और जुनेद बाहर आए और उन्होंने एक बॉल को किक किया जो कि किसी एक ओल्ड पर्सन के यार्ड में जाकर के लग गया, और जैसे ही वो बॉल अंदर गया तो वो ओल्ड पर्सन बाहर आकर के उसने पूछा कि किसने बॉल मारा है। ही कंप्लेंड, माई प्रीशियस वॉच हैज़ बीन ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट बॉल। Who did it? मेरा इतना मूल्यवान, precious means कीमती, बहुत कीमती, एक मूल्यवान जो वास था, वास यानी गमला जो था, ये टूट गया है, किसने बॉल को मारा था? जुनेद ग्लैंस टूवर्ड्स हुमेद। जुनेद हुमेद की तरफ देखता है। दे हैड टू ऑन अप नाउ फॉर दे हैड बीन कॉट रेड हैंड। अब तो उन्हें स्वीकार नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। Humeet quickly thought of a suitable lie to present towards the man. It was quite clear that Humeet was frightened. He said, "Dear sir, we just saw some naughty boys who ran away." Sir, अभी अभी हमने कुछ बदमाश लड़कों को देखा था, वो यहाँ से चले गए, अभी भाग गए सर। मतलब हुमेद ने क्या करा, अचानक से एक प्लान कर लिया, फटाफट से एक लाय प्लान कर लिया, एक झूठा बहाना बना लिया कि किसने बॉल मारा था। द ओल्ड मैन इमीडिएटली शट द गेट विद इरिटेशन। हुमेद कुड हियर द साउंड ऑफ द ओल्ड मैन्स फीट एज ही मेड हिज वे इनटू हिज हाउस। ही लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ एंड रिटर्न टू हिज फ्रेंड साइड। वो जो ओल्ड मैन है उसने इरिटेशन मतलब गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद करके वो अंदर चला गया, और हुमेद जो था उसने बड़ा रिलैक्स महसूस किया और वो अपनी फ्रेंड की तरफ रिटर्न कर गया। जुनेद वॉज स्ट्रक विद शॉक। ही डिडंट नो व्हाई हिज फ्रेंड हैड लाइड लाइक दैट। जुनेद को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त ने झूठ क्यों बोला। He remained silent and they continued playing football under the pouring clouds. और उन्होंने फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया। Pouring clouds मतलब गिरते हुए जो पानी आ रहा था, बारिश का पानी जो आ रहा था उस clouds के अंडर, यानी बारिश में वापस खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
The next morning was bright and the sun was sending its rays across the valley, making the surrounding look beautiful and fresh. अगले दिन सूरज निकला और उसकी किरणें मौसम और उस वैली को बहुत ब्यूटीफुल बना रही थी. द टू फ्रेंड्स वर बैक बिसाइड द लैक मीन्स अगेन द टू फ्रेंड्स हुमैद एंड जुनैद वेंट टू द लैक नेक्स्ट डे एंड दे वर ऑन द ग्रास एंड दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. एट द टाइम दे वर नॉट प्लेइंग. बिटवीन द लैक वेयर सम रॉक्स एंड in his anger mood Humaid dared Junaid to jump into them and cross the river by himself. Junaid, a sensible boy by nature, knew that crossing the lake would be dangerous. The lake was deep. अब क्या होता है, रॉक के ऊपर बैठे हुए चट्टान पर बैठे हुमैद जुनैद को डेयर करता है, उसको चुनौती देता है कि तुम्हें ना इस जो रिवर है, इस जो लेक है, उसको क्रॉस कर सकते हो क्या. जुनैद जो है वो सेंसिबल बॉय है और सोचने वाला लड़का है, उसको पता है कि लेक को क्रॉस करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि लेक बहुत गहरी है. नो हुमैद, आई विल नॉट क्रॉस द रिवर, सैड जुनैद. जुनैद ने कहा कि नहीं, मैं रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता, मैं लेक को क्रॉस नहीं कर सकता. यू आर द स्कैरी कैट, इट्स लुक लाइक यू आरंट ब्रेव एट ऑल, लाफ्ड हुमैद. अरे डरपोक बिल्ली, तू ब्रेव नहीं है, डरपोक है बिल्कुल. हुमैद उसकी तरफ हंसता है. He stood and jumped into the lake to show how much brave he was than Junaid. अब वो उठता है और उसमें जंप कर जाता है और दिखा देता है कि जुनैद हुमैद जो है वो जुनैद से कितना ज़्यादा पावरफुल है. जुनैद शूक हिज हैंड एंड रिप्लाई, दैट्स नॉट रियल ब्रेवरी. जुनैद गर्दन हिलाता है और कहता है ये कोई सही सच्ची ब्रेवरी नहीं है, सच्ची बहादुरी नहीं है. इस रिवर क्रॉस करने में कोई बहादुरी का काम नहीं किया है तुमने. हुमैद वॉज शॉक्ड. ही अंडरस्टूड वॉट हिज वाइज फ्रेंड meant and immediately stood up deep in his own thoughts. He decided he had to own up on, so he ran towards old man bungalow and knocked on the gate. The old man opened the gate, smiled in a knocking way. Humaid looked at him and immediately confessed the truth. The old man patted him and said, it's good that you finally decided on up. I already knew it was you because I had been watching of you from the window. I was wondering when you would come and tell me. हुमैद को सारी बात समझ में आ जाती है कि उसका बुद्धिमान दोस्त क्या कहना चाहता है और वो अपने अंदर ही मन ही मन डिसाइड कर लेता है और वो सीधे बंगलों पे जाता है उस ओल्ड मैन के और ओल्ड मैन से जा कर के कन्फेस कर लेता है कि सर मैंने ही आपको बॉल मारी थी और मैंने ही आपका प्रीशियस जो वास था वो तोड़ा था. ओल्ड मैन बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे और तुमने ही वो वास तोड़ा था क्योंकि मैं विंडो से सब तुम्हें देख रहा था, इसलिए मुझे पता था कि तुमने ही वो सब काम किया था, पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती स्वीकार करी और तुमने सच बोला क्योंकि सच्ची ब्रेवरी इसी बात में है कि हम सच बता दें. हमें सच को कभी नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि सच तो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है. इंग्लिश में सेइंग्स है, अ लाई हैज़ नो लेग टू स्टैंड अपॉन, यानी झूठ के कोई पांव नहीं होते, झूठ कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर इन PDF. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टिंग विद अस.